गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच यू फिजिकल एजुकेशन। मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको फिजिकल एजुकेशन उसके एम्स के बारे में थोड़ी नॉलेज दी थी आपको। तो जैसे हम मेन सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं उसके साथ साथ हमारा जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है जैसे कि फिजिकल एजुकेशन, उसको भी पढ़ना बहुत जरूरी है हमारे लिए। तो मैंने आपको बताया था कि फिजिकल एजुकेशन क्या होती है। फिजिकल एजुकेशन जो है हमारी बॉडी के साथ कंसर्न है कि फिजिकल एजुकेशन में हम वो बातें सीखते हैं कि कैसे हम अपनी बॉडी को फिट रख सकते हैं, कि हमारी बॉडी जो है, हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो कैसे अच्छी तरह से काम कर सकते हैं, कैसे हम अपने मसल्स को स्ट्रांग कर सकते हैं, अपनी बॉडी को फिट रख सकते हैं, और कैसे हम क्या चीज करें, क्या करें हम अपनी बॉडी को अच्छा बनाएं कि वो अच्छे से सभी अपने जो काम है, हमारी बॉडी के जो फंक्शन है वो अच्छे से कर सके। वो शिक्षा हमें जो हमारी बॉडी के बारे में, अच्छे से काम करने के बारे में हमें बताती है कि हमारी बॉडी जो है कैसे फिट रह सकती है, कैसे उसके सभी जो फंक्शंस है प्रॉपरली हो सकते हैं। जो एजुकेशन हमें इस सभी की नॉलेज देती है वो फिजिकल एजुकेशन है। तो हमने फिजिकल एजुकेशन के बारे में पढ़ा था, और साथ ही मैंने पढ़ा था कि फिजिकल एजुकेशन को डिफरेंट नेम्स दिया गया। सबसे पहले फिजिकल कल्चर, फिजिकल ट्रेनिंग, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, तो डिफरेंट नेम जो थे वो फिजिकल एजुकेशन को दिए गए। तो उसके बाद मैंने आपको टॉपिक करवाया था एम्स ऑफ द फिजिकल एजुकेशन, कि फिजिकल एजुकेशन का क्या उद्देश्य है, फिजिकल एजुकेशन जो है वो हमें, हमारे लिए क्यों जरूरी है। फिजिकल एजुकेशन जो है वो हमारी हर तरह से हमारी बॉडी का जो है, हमारी बॉडी की डेवलपमेंट करती है, नॉट फिजिकली, मेंटली, सोशली एंड मॉरली। वो हर तरह से हमारी बॉडी का, कैसे हमारी बॉडी जो है वो डिवेल्प हो सकती है फिजिकली, मेंटली, हर तरीके से वो हमें सिखाती है। और उसका उद्देश्य क्या है कि जो ह्यूमन बींग्स है नॉट फिजिकली फिट हो, मेंटली भी स्ट्रांग हो, सोशली भी हमारी बॉडी की जो है हम स्ट्रांग होने चाहिए, मॉरली भी हमें स्ट्रांग होना चाहिए। तो हमें ये सब कुछ जो है फिजिकल एजुकेशन के थ्रू ही हम सीखते हैं, और वो हमें डिफरेंट एजुकेशन के थ्रू हमारी बॉडी को कैसे फिट रखा जा सकता है उसके बारे में बताती है। तो फर्स्ट हमने पढ़ा था फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कि फिजिकल एजुकेशन हमें सिखाती है कि कैसे हम अपनी बॉडी को फिजिकली फिट रख सकते हैं, कैसे हमारे ऑर्गन जो है, हमारी बोन्स जो है वो स्ट्रांग हो सकती हैं, कैसे हमारे ऑर्गन जो है वो प्रॉपरली वर्क कर सकते हैं। तो हमने पढ़ा था कि हमारे लिए योगा, एक्सरसाइज और डिफरेंट गेम्स जो हैं जो हमारी बॉडी को फिजिकली फिट रख सकती हैं। और उसके बाद हमने करा था कि फिजिकल एजुकेशन का मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड है, कि बच्चे की ऑलराउंड डेवलपमेंट करना, यही फिजिकल एजुकेशन का मुख्य जो है उद्देश्य है। हमने ये किया था ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। नेक्स्ट था मेंटल डेवलपमेंट, ये भी हमने पढ़ा था कि फिजिकल एजुकेशन के जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, कि फिजिकल एजुकेशन चाहती है कि ह्यूमन बॉडी की नॉट फिजिकली ओनली, फिजिकली ग्रोथ नहीं, ऑलराउंड डेवलपमेंट होनी चाहिए, हर तरह से हमारी बॉडी का विकास होना चाहिए। हमारी अगर बॉडी तंदुरुस्त है तो तंदुरुस्त बॉडी के अंदर ही तंदुरुस्त दिमाग होता है, तो हमारा ब्रेन जो है वो भी शार्प होना चाहिए। उसके लिए डिफरेंट गेम्स हमने पढ़ी थी कि छोटे बच्चों के लिए कौन सी गेम्स होनी चाहिए, बड़ों के लिए कौन सी गेम्स होनी चाहिए, एक्सरसाइजेस होनी चाहिए, योगा होना चाहिए, ताकि हमारी बॉडी जो है फिजिकली फिट तो हो ही हो, साथ ही उसका मेंटली भी जो है डिवेलपमेंट हो। और हमें फिजिकल एजुकेशन जब हम पढ़ते हैं और हम गेम्स खेलते हैं, जैसे कि क्रिकेट गेम है, फुटबॉल की गेम है, बहुत सी गेम्स होती हैं, तो जब हम खेलते हैं, अ प्लेग्राउंड गाइड्स अस टू सबमिट आवर इमोशंस, अ प्लेयर हु लूज इवन शेक्स हैंड्स विद हिज ओपोनेंट एंड कॉन्ग्रेचुलेट्स हिम ऑन हिज विक्ट्री। तो जब टू टीम्स के बीच में गेम्स होती हैं तो हमें पता है कि जब भी गेम होती है एक ने हारना है और एक ने जीतना है, तो हारने वाला भी जीतने वाले को क्या करता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलता है, उसके साथ हैंडशेक करता है, और जब वो विक्ट्री के स्टैंड पे खड़ा होता है और दूसरे वाला सेकंड और थर्ड नंबर पे खड़ा होता है तो उसको वही फीलिंग्स होती हैं कि हम वहां पे बड़ी खुशी होती है हमको, चाहे हम फर्स्ट पोजीशन पे हैं, सेकंड पे हैं या थर्ड पे हैं। और हम गेम्स के थ्रू ये हमें ये शिक्षा मिलती है कि किस तरह से हमें इनकरेज किया जाता है कि हमने कैसे आगे बढ़ना है, कैसे हमने अगर आज हारे हैं तो कल हमने जीतना भी है। तो इस तरह से जो गेम्स हैं, योगा है, एक्सरसाइजेस हैं, और ये सब कुछ हमें फिजिकल एजुकेशन के थ्रू पढ़ने को मिलता है, सीखने को मिलता है कि किस तरह से हमारे अंदर, किस तरह गुड हैबिट्स जो हैं वो फिजिकल एजुकेशन को करके हमारे अंदर गुड हैबिट्स आ जाती हैं, कि कैसे हमने हार के भी जीतने वाले को हमने खुशी देनी है, उसके साथ हैंडशेक करना है, हमारे अंदर खुशी मिलती है हमें। और नेक्स्ट है सोशल डेवलपमेंट,
A person learns to live in a harmony with the people around him through physical education when a person plays with the player coming from different places. तो जब games होती हैं तो हम जैसे for example cricket की game ले लें तो वो different countries के players जो हैं वो game को खेलते हैं तो हम different countries के लोगों से different countries के players से मिलते हैं उनका रहन सहन हमें पता चलता है कि कैसे रहते हैं क्या dress है कैसे उनका culture है तो हमें बहुत सी चीजें उनसे सीखने को मिलती हैं तो when a person plays with the players coming from different places, it helps to create a good environment for social development. Every player gets familiar with the nature, custom, dress and culture of others. Very often good points of others are adopted. In this way, we benefit from others. तो हमें दूसरों से benefit होता है हम उनके country के बारे में सब कुछ जानते हैं उनकी dress के बारे में उनके culture के बारे में customs के बारे में और उन players की nature के बारे में हमें पता चलता है इन दिस वे वी बेनिफिट फ्रॉम अदर्स तो हमें दूसरों से भी बेनिफिट होता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज आल्सो रेज्ड और हमारे जीने का जो स्टैंडर्ड है हमारे रहने का जो स्टैंडर्ड है वो रेज होता है इंटर यूनिवर्सिटी इंटर स्टेट एंड इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन आर अरेंज टू गिव अ बूस्ट टू सोशल डेवलपमेंट एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग न्यू ओलंपिक्स बैरंडी कुबर्टिन हैड एग्जैक्टली द सेम ऑब्जेक्टिव इन माइंड दैट द गेम्स मे क्रिएट हार्मनी एंड गुड स्पिरिट अमंग द पीपल तो इस तरह से हम जब दूसरे स्टेट के लोगों से या दूसरे कंट्रीज के प्लेयर्स से मिलते हैं तो हम उनसे बहुत कुछ बहुत अच्छा सीखते हैं तो इस तरह फिजिकल एजुकेशन जो है सोशल डेवलपमेंट में भी हेल्प करती है टू इनकरेज सोशल हार्मनी गेम्स डिवेल्प क्वालिटीज ऑफ गुड लीडरशिप गेम्स खेलने से हमारे अंदर गुड लीडरशिप की क्वालिटीज आती है और बहुत सी अच्छी हैबिट्स जो है हमारे अंदर आ जाती हैं द स्कोप ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज वेरी वास्ट मेनी टाइम्स अ प्लेयर गेट्स अ चांस टू एक्ट एज कैप्टन कई बार क्या होता है प्लेयर को कैप्टन बनने का चांस मिलता है रेफरी बनने का अंपायर बनने का चांस मिलता है दिस प्रैक्टिस इज गिवन इन वेरी स्मॉल और बिग टीम अ कैप्टन सिक्स टॉस कैप्टन क्या करता है पहले टॉस खेला जाता है ना एंड देन द गेम स्टार्ट्स और जो गेम जो टॉस जीत जाती है जो टीम वो गेम स्टार्ट करती है इन द प्लेग्राउंड एंड इवन अदरवाइज द कैप्टन हैज टू बिहेव रिस्पेक्टिवली अकॉर्डिंग टू द क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर जो कैप्टन होता है वो सभी के साथ सभी को बताता है कि कैसे खेलना है और सभी के साथ अच्छा बिहेव करता है इन दिस वे द लीडर्स बिकम स्किल्ड दे इनेबल देमसेल्व्स टू बियर द हैवी बर्डन्स ऑफ लाइफ तो उसके ऊपर बहुत बर्डन होता है कि अपनी टीम को कैसे खिलाना है कैसे जिताना है उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं ड्यूटीज होती हैं उसकी तो इस तरह से हम गेम्स के थ्रू जैसे यहाँ पे पिक्चर में हॉकी की गेम दिखाई गई है तो हमें गेम्स के थ्रू हम एक रिस्पॉन्सिबल प्लेयर तो बनते ही हैं रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स बनते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर आती है कि कैसे हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना है कैसे निभाना है कैसे हमने इंस्ट्रक्शंस देनी है अपने प्लेयर्स को तो हम गेम्स के थ्रू बहुत सी बातों को सीखते हैं तो फिजिकल एजुकेशन जो है वो सब कुछ गेम्स के थ्रू योगा के थ्रू एक्सरसाइज के थ्रू हमें सभी बातें सिखाती है हमारे अंदर बहुत सी अच्छी क्वालिटीज लाने में फिजिकल एजुकेशन जो है वो हेल्प करती है तो इस तरह से ये हमने क्या पढ़ा है कि फिजिकल एजुकेशन के साथ बॉडी की फिजिकल डेवलपमेंट होती है मेंटल डेवलपमेंट होती है सोशल डेवलपमेंट होती है साथ ही मोरल डेवलपमेंट भी होती है इफ ऑल द पीपल लर्न टू लीड अ कंफर्टेबल लाइफ इन देयर सराउंडिंग बाय फॉलोइंग गुड प्रिंसिपल देन इट इज अंडरस्टूड दैट दे आर क्वाइट मैच्योर इट इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन टू ओबे द ऑर्डर्स ऑफ द रेफरी बाय प्लेइंग इवन इफ यू डिसलाइक हिज डिसीजन तो जब हम गेम खेलते हैं तो कई बार हमें रेफरी का डिसीजन जो है वो पसंद नहीं भी होता तब भी हमें उसका जो हमें उसके ऑर्डर को मानना पड़ता है हमें उसको ओबे करना पड़ता है स्पीकिंग ट्रूथ हमें सच बोलना जो है सच्चाई बोलने की शिक्षा हमें मिलती है पंचुअलिटी आती है हमारे अंदर डिसिप्लिन में रहना सीखते हैं हम और बड़ों का कहना मानना सीखते हैं लविंग द जंगर छोटों से प्यार करना सीखते हैं कोऑपरेशन की भावना हमारे अंदर आती है विद द नेबर्स एंड ट्रूथफुल लिविंग द ट्रेनिंग ऑफ दीज क्वालिटीज इज गिवन इन द प्ले ग्राउंड फिजिकल एजुकेशन इज वेरी यूजफुल फॉर द ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ मैन तो इस तरह से हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा है कि जो फिजिकल एजुकेशन है वो हमारे लिए बहुत यूजफुल है क्योंकि इससे हमारी ह्यूमन बींग्स जो है उनकी ऑलराउंड डेवलपमेंट होती है ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ मैन सिटीजनशिप इमोशनल डेवलपमेंट एंड नेशनल इंटेग्रेशन तो ये है कि हम किस तरह से फिजिकल एजुकेशन के थ्रू हमारे अंदर बहुत सी अच्छी हैबिट्स जो हैं वो हम अपने अंदर ले आते हैं हमारे अंदर फिजिकल एजुकेशन जो है हमारी बॉडीज को हमारी मसल्स को हमारी एक्टिविटीज को कैसे हमने स्ट्रांग करना है कैसे हमारी बॉडी को फिट करना है वो सब कुछ सिखाती है
और फिजिकल एजुकेशन से हम सीखते हैं कि कैसे हमारे अंदर गुड हैबिट्स आती हैं, हम गेम्स खेलते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, छोटे बच्चों के लिए अलग से गेम है, बड़ों के लिए अलग से गेम होती हैं, जिससे हमारी बॉडी जो है फिट होती है, मसल स्ट्रांग होते हैं। और गेम्स में जब हम गेम्स डिफरेंट गेम्स में पार्ट लेते हैं तो हमारे अंदर बहुत सी अच्छी हैबिट्स जो है वो आ जाती हैं। तो इस तरह से हमने ये चैप्टर पढ़ा कि फिजिकल एजुकेशन क्या है, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, और हम फिजिकल एजुकेशन के थ्रू, गेम्स के थ्रू, योगा के थ्रू, एक्सरसाइजेस के थ्रू कैसे हमारे अंदर अब अच्छी क्वालिटीज लाते हैं। हमने पढ़ा कि हमारे अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज जो है वो आ जाती हैं, कैसे हम अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं, हमारे अंदर पंचुअलिटी आती है, डिसिप्लिन में रहना सीखते हैं, हम बड़ों का कहना मानना सीख जाते हैं। तो इस तरह से ये अच्छी क्वालिटीज लाने में फिजिकल एजुकेशन जो है वो हेल्पफुल है। थैंक्स।